नंदनी कुक में आपका स्वागत है। आज हम आलू का कुरकुरा नाश्ता बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आलू लिया था, उसे छीलकर इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है और उसे मैंने पानी में भिगो कर रखा है ताकि ये काला ना पड़ जाए। अब हम एक बर्तन में पानी डालते हैं। हमें पानी डालना है जिसमें कि आलू डूब जाए। तो अब हम पानी को गर्म कर लेते हैं। पहले हमारा पानी गर्म हो गया है तो अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। उसके बाद अब हम इसमें ये कटा हुआ आलू डाल देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और अब हमें कम से कम आलू को 50% तक पकाना है। उसके बाद हम गैस को बंद करेंगे। उसमें हमें करीब 10 मिनट अभी और लगेगा इसे पकाने में, तो हम इसे 10 मिनट तक पका लेते हैं। इसको पकाए हुए 10 मिनट हो गया है तो देखिए ये थोड़ा कुक भी हो गया। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे बाउल में निकाल लेंगे। इसे मैंने बाउल में निकाल लिया है तो अब हम इसमें मसाले मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम इसमें मैदा डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मैदा लिया है। उसके बाद 1 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, काला नमक, आमचूर पाउडर, आप इसकी जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी पुदीना की पत्ती। अब हम सभी को मिक्स कर देते हैं। हमें इसका बैटर फॉर्म बनाना है तो थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। देखिए हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। तो अब हमें इसे फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए हम सबसे पहले ऑयल गर्म कर रहे हैं। अब हम इसमें इस मिक्सचर वाले पोटैटो को डालते हैं। अब हमें इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। एक साइड से हमारा हो गया है तो अब हम इसे पलट देते हैं। दोनों तरफ से हमारा ये आलू पक गया है तो अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसी तरह दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा आलू का स्नैक्स रेडी है तो अब हम इसे सॉस के साथ सर्व करेंगे।
तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।